अभी ग्वालियर के संस्कृति मैदान में जहां की एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी युवाओं को आमंत्रित किया गया है। आइए हम कुछ युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि युवा मध्य प्रदेश के बारे में और निवर्तमान सरकार के बारे में किस तरह की राय रखते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम कुलदीप आता, मैं IT चल से जिला शिक्षा जो की भारतीय जनता पार्टी कम्प्लीट है। मैं यहाँ पे IT का काम करता हूँ, वेबसाइट सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने की मेरी एक फर्म भी है। साथ ही मैं यहाँ पे BJP IT सेल में जिला सहसंयोजक हूँ, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे युवा सम्मेलन में मेरा जो आने का मुख्य उद्देश्य है कि मोदी जी ने भारत के अंदर कई सारी स्वरोजगार की योजनाएं बनाई हुई हैं। जो अभी मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि युवाओं की अभी क्या समस्याएं हैं? युवाओं की समस्या मोस्टली अभी रोजगार है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी सरकार क्या कर रही है कि उसके लिए स्वरोजगार उपलब्ध करवा रही है, क्योंकि सब लोगों को जॉब हर समय अवेलेबल नहीं हो सकती आसानी से। तो सरकार कोशिश कर रही है कि सब लोग रोजगार से जुड़े और खुद रोजगार पाएं तो पाएं, साथ ही अपने साथ 10 लोगों को और रोजगार प्रोवाइड करवाएं आसानी से। जॉब क्रिएटर बनने के लिए गवर्नमेंट काम कर बिल्कुल 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 आगे भी काम करती है। अच्छा, अभी आने वाले समय में जैसे अगर BJP की गवर्नमेंट आती है तो आपकी और क्या अपेक्षाएं होंगी इस गवर्नमेंट से? हाँ, अगर आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उसके लिए हमारी सिर्फ उनसे इतनी है कि हाँ, हमारा एक तो एम्प्लॉयमेंट में और अच्छे से फोकस किया जाए, क्योंकि भारत इस समय पूरे दुनिया में युवा भारत के नाम से उभर के आ रहा है, तो सबसे ज्यादा युवा यहीं पर है। आपको नहीं लगता है कि आज का युवा जो है नशा प्रवृत्ति की ओर, क्राइम की तरफ भी मुड़ रहा है? बिल्कुल, आजकल मैं ये सारी चीजें देखता हूँ कि नई जनरेशन जो आ रही है 16 से लेकर 30 के बीच में, ये मोस्टली मतलब क्राइम और अलग जा रहे हैं कि इन लोगों ने देखा तोड़फोड़ किया, आए दिन हड़ताल किया, ये किया। और एक तरफ जापान, अमेरिका और UK वगैरह, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं मतलब कि आगे और भी युवा आए और अपने एक करियर बनाए जिससे अपनी फैमिली प्लस अपने देश के लिए कुछ कर पाए। आप मुझे ये बताइए कि जब नशा युवाओं के लिए घातक है, नशा से युवाओं को नुकसान है या फायदा है? नहीं, नशा तो सीधी सी बात है, वो नुकसानदायक ही है। आजकल युवा पीढ़ी नशा में जा रही है और नशा करने के बाद करियर तो खत्म कर ही रही है, प्लस लाइफ भी खत्म कर रही है। तो फिर ये जो गवर्नमेंट है, ये जो दुकानें हैं शराब की, आप देख रहे हैं कि 12-12 बजे तक जो दुकानें खुली रहती हैं, जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है तो निश्चित रूप से वो अपना होश खो देता है, क्राइम करता है। इसको कमांड कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप भी नहीं उठाती। नहीं, अगर हम बात की जाए शराब की तो वो एक अलग मैटर हो गया, क्योंकि वहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी की बात करूँ, 12-12 बजे तक आप देखेंगे शहर में दुकानें खुली रहती हैं, लाइनें लगी रहती हैं। नहीं, शराब के लिए रूल एक्साइज का ये है कि 8-10 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग गलत तरीके से उसको ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप यहाँ बोलने वाले हैं, शिवराज सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल डेफिनेटली, नशा के ऊपर तो लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, क्राइम कंट्रोल हो। अभी हमारा वही है कि BJP जो गुजरात में भी है, BJP एक क्या बोलते हैं गठबंधन के थ्रू बिहार में भी है, वहाँ पे उन लोगों ने नशा मुक्ति के लिए चलाया अभियान और वहाँ पे शराब पर रोक भी लगाई है। बस हम CM सर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द MP में भी इसको बैन कर दिया जाए। हमारे साथ अभी अभिनव जी से हम लोग बात कर रहे थे, जो कि IT सेल को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कहीं ना कहीं वह चाहते हैं कि आने वाली जो गवर्नमेंट है या शिवराज सिंह की जो सरकार है, आने वाले समय में वह नशे की जो प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कोई ना कोई कदम अवश्य उठाएगी। ये इनका ऐसा सोचना है कि नशा कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए घातक है और इस पर थोड़ा सा लगाम लगाने की आज आवश्यकता मध्य प्रदेश में तो जरूर है। आपका सर्वप्रथम आप नाम बताएं। सर, मेरा नाम जुगल मामा है। आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। ग्वालियर से? जी सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि युवाओं की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको लगता है कि अभी उन पर काम किया जाना जरूरी है? युवाओं की सर्वप्रथम जो समस्या है, जो बेरोजगारी जो चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माध्यम है, आदरणीय देश के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मुहिम चल रही है, और जब से BJP सरकार आई है, मध्य प्रदेश हो या सेंट्रल हो, पूरे भारत के अंदर में युवाओं में एक जोश आ गया है, और सभी युवाओं का संकल्प है, मेरा संकल्प है, भाइयों का संकल्प है कि हमें अत्यधिक मात्रा में BJP को पार करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करना है। ग्वालियर अटल जी की भी नगरी है, अटल जी के सपनों का भारत, कैसा भारत आप देखना चाहते हैं?
वैसे तो बीजेपी के यहाँ पे बहुत बढ़िया है और भारत तो एक श्रेष्ठ भारत है, मोदी का सबका विकास सबका साथ है। और बेरोजगारी की बात कहें तो यहाँ पे मामा श्री इतनी वैकेंसी निकालती है कि भरपूर युवाओं को तो रोजगारी रोजगार मिल रहा है यहाँ पे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है? अच्छा अच्छा, कि मध्य प्रदेश में युवाओं की कुछ ऐसी योजनाएं आप बता सकते हैं जिन पर जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी योजनाएं हैं? जी मैं सोशल साइट के माध्यम से बताना चाहूँगा, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने युवाओं में पहले से ही जोश और क्रांति दे रखी है और वो जितना बन रहा है युवाओं के लिए कर रहे हैं। संबल योजना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के तहत चलाई जा रही है, गरीबों के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं और ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे गर्व की बात है कि हम अटल नगरी से निवास करते हैं, हमारा जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को जोश और उत्साह देने वाली पार्टी है। बहुत 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 धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्वालियर के कुछ युवा जिन्होंने अपनी मन की बात आज हम लोगों के साथ शेयर की है।